हैं, रुख करते हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस का। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज डोईवाला के अठोरवाला पहुंचेंगे और महिला समूहों द्वारा आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री पहली बार अपनी विधानसभा की महिलाओं के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने आ रहे हैं और जिसको लेकर क्षेत्र की महिलाओं में बहुत उत्साह देखा गया और कार्यक्रम को सफल भव्य बनाने में क्षेत्र के सभी महिला समूह जुट गए। कार्यक्रम की जानकारी डोईवाला विश्वास महिला समूह की अध्यक्ष कोमल देवी ने देते हुए बताया कि पहली बार मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा की महिलाओं के बीच आकर राखी का पवित्र त्यौहार मनाने वाले हैं और इसीलिए सभी महिला समूह और सदस्यों में उत्साह। चमोली में लगातार बादल फटने और भारी बारिश के कारण देवाल घाट में मां बेटी समेत कई लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य को लेकर लोगों में स्वास्थ्य विभाग को लेकर नाराजगी देखने को मिली। आपदा के दौरान बहुत सी दुकानें और मकान तबाही में बह गए और जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, जिसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। जनपद के सभी आला अधिकारी लगातार प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं, पीड़ितों को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य महकमा लापरवाह बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से नाराज स्थानीय विधायक अमोनी देवी ने फोन में ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से शिकायत की। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम लगातार आपदा में फंसे लोगों को निकालने का काम कर रही है। जिलाधिकारी चमोली ने आपदा में मृतकों को अनुग्रह राशि के रूप में परिजनों को 4-4 लाख रुपए भी दिए। उत्तराखंड में मॉनसून की बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बनती जा रही है। प्रशासन की लापरवाही लोगों की परेशानियों को और बढ़ा रही है। चमोली जिले के घाट ब्लॉक में भी बादल फटने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई। मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी नहीं पहुंचे और इसके बाद लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। विधायक अमुन्नी देवी शाह ने सीएमओ चमोली को सस्पेंड करने की मांग की है और इस मामले पर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि राज्य में सरकार नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री के पास होने के बावजूद हालात दयनीय है। रुद्रपुर में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता तिलक राज बेहर ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर नगर आयुक्त के खिलाफ शिकायत की। विधायक तिलक राज का कहना है कि नगर निगम के नगर आयुक्त के हस्ताक्षरों से 3 अगस्त को एक निविदा आमंत्रित की गई, जो वार्ड खेड़ा में सड़क निर्माण कार्य होना बताया गया है। जिस कार्य की निविदा आमंत्रित की गई है वो कार्य पहले ही किया जा चुका है। उन्होंने इस निविदा को लेकर मौके पर जाकर जांच करने की मांग की। देहरादून के राजकीय दून मेडिकल अस्पताल के दंत विभाग के ओपीडी ब्लॉक में डेमो रूम में छत की सीलिंग टूट गई। गनीमत ये रही कि छुट्टी होने की वजह से मेडिकल के छात्र वहां नहीं थे, ओपीडी में मरीज भी कम थे, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल दून अस्पताल के नए ओपीडी ब्लॉक में फोर्थ फ्लोर पर दंत रोग विभाग के ओपीडी और डेमो रूम का ब्लॉक है। डेमो रूम में मेडिकल के छात्रों को पढ़ाने के अलावा ओपीडी के मरीजों की जाँच भी की जाती है। तभी अचानक छत की सीलिंग टूट कर नीचे गिर गई। पौड़ी जिले का कारागार जल्द ही हाईटेक होने जा रहा है, जिसके तहत जेल में बंद कैदी को अपनी सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं होगी। विचाराधीन कैदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हो सकेगा और इसके साथ ही जेल में बंद कैदी की जानकारी इंटरनेट के द्वारा आमजन तक रखी जाएगी। सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले कुछ दिनों में जिला कारागार पौड़ी आधुनिक यंत्रों से लैस हो जाएगा। आधुनिक यंत्रों से लैस हो जाने के बाद जिला कारागार में बंद कैदियों से मुलाकात करने के लिए उसके परिजन ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे। ऑनलाइन ही परिजनों को मिलने का समय भी निर्धारित किया जाएगा। बढ़ते आगे, विकास नगर कोतवाली क्षेत्र में फाइनेंस कंपनी के नाम पर सैकड़ों खाता धारकों के साथ फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है, जिसके चलते अपना पैसा वापस न मिलने से आक्रोशित कई खाता धारकों ने पुलिस चौकी का घेराव कर अपना पैसा वापस दिलाए जाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि कंपनी के एक संचालक और उसकी पत्नी को पकड़कर खाता धारकों ने पुलिस को भी सौंपा है। मामले की शिकायत खाता धारकों ने कोतवाली विकास नगर में दी, जिसको लेकर अब कोतवाली पुलिस गहनता से जांच पड़ताल कर रही है।
कोटद्वार के सिंभलचौड़ में एक युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी और दरअसल मृतक युवक शेखर ढाडियाल और देहरादून का रहने वाला बताया जा रहा है। कोटद्वार में शिवा केबल की दुकान में काम करता था। घटना के दौरान मृतक केबल ऑपरेटिंग ऑफिस के बाहर फोन पर बात कर रहा था, तभी अचानक बाइक से आए तीन युवकों ने युवक के सीने में गोली मार दी और फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने गंभीर हालत में युवक को राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई। विकासनगर के कालसी तहसील में तैनात कुछ कर्मचारियों द्वारा खतौनी के लिए वसूली का खेल लगातार जारी है। तहसील में तैनात कुछ कर्मचारियों पर लोगों से खतौनी निकालने के नाम पर वसूली किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। किसी से एक पेज के 20 रुपए तो किसी से तीन पेज के 30 रुपए वसूले जा रहे हैं, जबकि मानकों के अनुसार खतौनी के प्रथम पृष्ठ का मूल्य 15 रुपए और अन्य प्रत्येक पृष्ठ का मूल्य 5 रुपए के हिसाब से लिया जाना चाहिए। वहीं जानकारी मांगने पर ग्रामीणों को उचित जवाब भी तहसील कर्मचारियों द्वारा नहीं दिया जा रहा। मामले में एसडीएम अकालसी व पूर्वा सिंह ने बताया कि लिखित शिकायत पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।